हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और अभी रेडी हुई हूँ जाने के लिए पार्लर। उससे पहले सोचती हूँ, एक गणपति दर्शन के लिए बुलाया है तो वहाँ जाऊँ। बारिश ऐसी घिरी हुई है ना बाहर के, ना पूछो बात, पूरा भर गया है। और आज मौसम आगाही में भी बोला है कि बारिश बहुत ज़्यादा गिरेगी, तो बारिश का डर भी लग रहा है। सोचती हूँ पार्लर पे पहुंच जाऊं या सोचती हूँ गणपति दर्शन को जाके आऊं। देखते हैं, रास्ते में निकलती हूँ, जैसा मन करेगा वैसा करूंगी और जहां भी जाऊंगी आपको तो साथ में लेके आती हूँ। और बताइए कैसे दिन चल रहे हैं आपके और क्या क्या चल रहा है यार? आप लोग कमेंट्स करा करो, मुझे कमेंट्स करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ तो आप देख ही लेते हो, तो आपकी लाइफ भी मुझे दिखाइए कि आप क्या कर रहे हो। कमेंट्स से जुड़ोगे ना तो बहुत अच्छा पड़ेगा, ताकि मैं भी आपको जान सकूं। ओके, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं, बारिश ना आ जाए। भागते हैं जल्दी से। इंद्रस्थम अग्निस्थम वायुस्थम सूर्यस्थम चौमस्थम ब्रह्म पूर्व स्वर मंगलादि पुरुमोच्चारी वर्णादि तनिमे तन्नो दंती प्रचोदयाद एक दंतम चतुरस्थम पाशम कुश धारणम रदम चौरम हस्ते विभ्राणम शतयम रक्तम लंबोदम शुभगनकम रक्तवास रक्तगंधाम दिक्तांग मेषति सर्वम जगदम ते प्रत्यति तम भूमिरापो नलो नीलो नभा तम चत्वारि वक्पदानि तम गुणत्रयातीता तम देहत्रयातीता तुम कालत्रयातीता तुम नहीं हो पाया। आज फर्स्ट सार्वजनिक गणपति के दर्शन करने आई हूँ मैं। सभी स्वरूप ब्रह्मा से तुम साक्षात आत्मा से नित्यम रुतम वच्मि सत्यम वच्मि अवतम। बहुत दिनों के बाद यहाँ आई। पहले मैं हमेशा मम्मी इन लोग हम लोग सब गणपति के दर्शन को निकलते थे, तो यहाँ पे जरूर आते थे दर्शन करने के लिए। देखो मैं पूरा विरार ढूंढ के आई, पूरा कितने मिठाई के दुकान में गई, जहाँ से मैंने गए बार लिया था मोदक वहाँ भी गई थी पर उनका बना हुआ नहीं था, और यहाँ आई, यहाँ काका के घर के पास ही इतना अच्छा मोदक मिल रहा है। देखो मुझे बड़ा वाला ही मोदक चाहिए था। बैड लक, कोई बात नहीं, जो चढ़ा है वो मोदक भी अच्छे हैं। कभी कभी कैसा होता है ना, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ऐसा हो जाता है। मोदक मुझे यहाँ काका के घर के नीचे ही मिल रहे थे और मैं वहाँ 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 सब दूर ढूंढते ढूंढते गई। ये यहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल राम मंदिर है, मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा दूँ। बहुत बड़ा मंदिर है, पता नहीं। ये मैं मेंदूवड़ा लेके आई बाहर से, जब खरीद रही थी तब सोचा कि खाते वक्त दिखाऊंगी, और अभी आधा खा लिया और फिर मुझे याद आया कि मुझे शूट करना है। भूख इतनी लगी थी, आप लोग देख रहे हो, वजह से मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ और उसकी वजह से मुझे अंदर से पूरी भूख लग जाती है। तो आधा खाया, आधे में मुझे याद आ गया कि चलो आपको दिखा देती हूँ मैं लंच में क्या खा रही हूँ। तो आज का मेरा लंच है मेंदू वड़ा, यमी है, टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। मैंने कल भी यही खाया और आज भी ये लेके आई हूँ।
क्योंकि कल मुझे बहुत अच्छा लगा था। ड्राई सब खा खा के ना मेरे पेट में ना अभी इसे खींचने लगा है। जैसे हमेशा भेल खाती हूँ, कुरमुरा हूँ सूखा, या वेफर वगैरह खा लेती हूँ, तो वो ना पूरा कल रात को भी वही हुआ। यहाँ से तो बहुत खिचड़ी बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ बना नहीं पाई। दही लेके गई, रायता बनाऊंगी, वो भी नहीं, सिर्फ दही में शक्कर डाल के खा लिया और चना सिंह खा लिया था। तो फिर ना पेट में खींचता है, मुझे महसूस होता है एकदम से। मैंने सोचा चलो कल भी बहुत अच्छा लगा था, पहले सोचा साबुदाना खिचड़ी ले लेती हूँ, हलवा ले लेती हूँ, फिर पता नहीं क्या हुआ मैं वहाँ मेंदूवड़ा वाले के पास ही खड़ी हो गई और वो ले लिया। पर हलवा बहुत दिनों से लेने को दिल कर रहा है, तो देखूंगी कल वल लूँगी। तो अभी तो मैं पहले ये खा लेती हूँ, क्योंकि ये ना जो सांभर और ये लिक्विड आता है ना, तो मुझे उससे बहुत सबूरी आ जाती है। कल भी मेरा पूरा दिन पेट भरा हुआ रहा था, तो आज भी मैंने ले लिया है। कल पर ज़रूर से साबुदाना खिचड़ी और हलवा लूँगी। उसकी साबुदाना खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है और हलवा भी बहुत अच्छा रहता है, और उपमा मिलता है उसके पास, पर उपमा इतना अच्छा नहीं रहता है। अब मैं तो हलवा वलवा बना नहीं सकती, साबुदाना खिचड़ी बनाने में भी बहुत तामझाम है। बनाने को तो बना लूँगी फटाफट, लेकिन बहुत तामझाम है। तो कल भी पानी आएगा, तो कल भी मुझे जल्दी से पानी भर लेना है अच्छे से। गर्मी ने तो जान ले ली है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि न पूछो बात। और चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अतिथि से, तो अतिथि क्या बोल रही है वो सुन लीजिए। नहीं बताएंगे, जब पहुंचेंगे तो बताएंगे, बट अभी ऐसे नाइट का ट्रैवलिंग है हमारा, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे और आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, तो मिल ली अतिथि से और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फैन बंद करने की मेरी हिम्मत नहीं है, और आपको ट्रैवल ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय।